भाई ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़ा हुआ, ये तो बता दे। बताना भाई क्या हुआ? भाई मुझे 10K के बजट में एक पीसी बिल्ड करना था, वो भी फुल सेटअप। भाई 10K के बजट में फुल पीसी बिल्ड करेगा? हट, ये तो इम्पॉसिबल है भाई, छोड़ दे तू ये सपना। बस भाई मैं इसीलिए किसी को नहीं बता रहा था यार, सब ऐसे मजाक उड़ाते हैं, छोड़ो भाई तुम भी। अरे वेट, आज हम लोग गाइस इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो लोग निराश हो रहे हैं ना कि हम लोग 10K के बजट में एक पीसी बिल्ड नहीं कर सकते, तो यार ऐसी कोई बात नहीं है, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे उसी को तो भाई टेक कहते हैं। तो आज हम लोग बिल्ड करने वाले हैं 10K के बजट में एक पीसी बिल्ड, वो भी फुल सेटअप। बट बिफोर दैट मैं आपको इसी कुछ लिमिटेशंस के बारे में बता देना चाहता हूँ, लाइक ये पीसी किस काम में आने वाला है और आप इस पे क्या क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि ये एक प्रोडक्टिविटी पीसी है, आप इस पे MS ऑफिस से लेके आप इस पे कोई भी कोडिंग कर सकते हो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो। बट आप इस पे अगर गेमिंग करना चाहते हो तो भाई इसका सपना बिल्कुल भी छोड़ दो, आप इस पे गेमिंग का जी भी नहीं कर पाओगे। तो गेमिंग पीसी तो इसको बिल्कुल मत समझना, तो आप इसको प्रोडक्टिविटी पीसी समझ के ही इसको काम करना, ठीक है। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा, आप देख रहे हैं डॉल्बी टेक चैनल। अब जल्दी से इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गो एंड सी विच कंपोनेंट वी आर यूजिंग इन दिस पीसी बिल्ड। सो लेट्स गो। सो गाइस, द स्पेसिफिक प्रोसेसर विच वी आर यूजिंग इन दिस पीसी बिल्ड इज कमिंग फ्रॉम इंटेल। द मॉडल नंबर इज E8400, विच प्रोवाइड्स अस द बेस क्लॉक स्पीड ऑफ 3 GHz एंड इट कम्स विद 6 MB ऑफ कैश मेमोरी, विच इज वेरी सफिशियंट इन दिस प्राइस रेंज विच वी आर बाइंग दिस पीसी एंड मेकिंग दिस पीसी इन अ बजट सेगमेंट पीसी। सो इट इज वेरी गुड प्रोसेसर फॉर दिस पीसी बिल्ड, एंड हियर यू कैन सी इट कम्स विद 2 कोर्स एंड 2 थ्रेड्स, एंड दैट्स व्हाई हम लोग इस प्रोसेसर को जो है डुअल कोर प्रोसेसर बोलते हैं। और ये अमेजोन के ऊपर आप लोग को मिल जाएगा 534 रुपीज़ का, आप इसको अमेजोन पे बाय कर सकते हो और इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे देगा। नेक्स्ट जो पार्ट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो ऑब्वियसली हमारा कूलर होने वाला है। कूलर हम लोग यहाँ पे इंटेल का स्टॉक कलर यूज कर रहे हैं, जो कि हम लोग के सारे प्रोसेसर के लिए जो है होता है इंटेल के, और ये हम लोग को अमेजोन पे 252 रुपीज़ का देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको जाकर परचेज कर सकते हो। अब मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ये सारे पार्ट जो है ऑफलाइन बाय करो, ताकि आपको एक्स्ट्रा प्राइस ना पे करनी पड़े, ठीक है। तो अब हम तो थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं जबरोनी से तरह से आने वाला G41 मदरबोर्ड, जो कि DDR3 सॉकेट पे बेस्ड है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग LGA775 सॉकेट पे बेस्ड, जैसे जो कि हमारा इंटेल का प्रोसेसर आते हैं। 2 RAM स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, सफिशियंट मतलब कि डिसेंट सी VRAM सेक्शन देखने को मिल जाती है, और PCI स्लॉट भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। प्राइस की बात करें तो यहाँ पे आपको प्राइस देखने को मिल जाती है 2609 रुपीज़ की। तो आप इस प्राइस रेंज पे इसको बाय कर सकते हो अमेजोन पे। अब ये सारे पार्ट जब आप ऑफलाइन बाय करोगे ना, तो आपको ये सारे पार्ट 300 से 400 रुपीज़ तक कम प्राइस में मिल जाएंगे आप लोग को। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ, विच इज आवर रैम। रैम विच वी आर यूजिंग इन दिस पीसी बिल्ड इज कमिंग फ्रॉम डॉलजिक्स एंड इज अ स्टिक ऑफ 2 GB स्टिक, एंड इट कम्स विद 1333 MHz। देर इज नो नीड टू पेयर अ 3200 MHz रैम, दैट इज टोटली यूजलेस। सो वी आर पेयरिंग 1333 MHz रैम, एंड दिस इज वेरी सफिशियंट फॉर दिस पीसी बिल्ड। एंड इफ यू टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ दिस रैम, ये आपको जो है अमेजोन के ऊपर 620 रुपीज़ की देखने को मिल जाएगी, और अगर ऑफलाइन बाय करोगे तो आप लोग आराम से 550 रुपीज़ तक की देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं वो है हमारी हार्ड ड्राइव। यहाँ पे हम लोग को SSD यूज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमारा बजट बहुत ज़्यादा ही टाइट है। तो हम लोग यहाँ पे 250 GB की एक हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपको मिल जाएगी 950 रुपीज़ में ऑफलाइन मार्केट में, ऑनलाइन थोड़ी महंगी मिलेगी। अब नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो हमारी पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं जेब्रोनिस की तरफ से आने वाली 450 वॉट की पावर सप्लाई, जो कि इसके लिए मच मोर देन इनफ होने वाली है इस पीसी बिल्ड के लिए, जो कि आपको 600 रुपीज़ की देखने को मिल जाएगी। सो एज वी आर बिल्डिंग अ फुल पीसी सेटअप, सो यहाँ पे हम लोग जो मॉनिटर यूज़ करने वाले हैं वो आता है हमारा मॉडर्न इंस्टा की तरफ से, जिसके अंदर हम लोग को HDMI प्लस VGA केबल दोनों देखने को मिल जाती है। लेफ्ट साइड में आप लोग को जो है कुछ बटन्स देखने को मिल जाते हैं, कंट्रोल बटन्स। एंड द स्क्रीन साइज ऑफ दिस मॉनिटर इज 15.4 इंचेस, लाइटली 39.1 सेंटीमीटर। एंड इफ यू टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ दिस मॉनिटर इज 3058 रुपीज़, एंड यू कैन फाइंड इट ऑन अमेजोन इजिली। एंड इस मॉनिटर पे जो ना आप आराम से सारे प्रोडक्टिविटी टास्क कर पाओगे, लाइक माइक्रोसॉफ्ट के सारे ऐप्स आप यूज़ कर सकते हो, और कोई भी आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हो, या सारे भी आप प्रोडक्टिविटी वाले काम कर पाओगे एक्सेप्ट गेमिंग। एंड जो सेकंड लास्ट कंपोनेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, वो है हमारा कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो, जो कि आता है जेब्रोनिस की तरफ से। इस कीबोर्ड के अंदर आप लोग को मल्टीमीडिया कीज भी देखने को मिल जाएंगी, और अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस आप लोग देखने को मिल जाएगी 499 रुपीज़। अब यहाँ पे आपको USB केबल के द्वारा कोई भी हॉटस्पॉट टेदरिंग का जो है इशू देखने को ना मिले, ताकि आपके केबल बच जाए। तो यहाँ पे हम लोग एक यूज़ करने वाले हैं क्वांटम का वाईफाई डोंगल रिसीवर, जो कि आता है 300 MBPS की स्पीड के साथ।
एंड इसी के साथ हमारा जो पीसी बिल्ड है ये कंप्लीट हो जाता है और आपको सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग की इसकी प्राइस कितनी निकल के आ रही है, तो मैं सबका कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ कि इसकी प्राइस कितनी आ रही है। तो यहाँ पे हमारी जो प्राइस निकल के आ रही है ना, वो आ रही है हमारी 9472 रुपीज़। एंड अब यहाँ पे जो है हमारा 528 रुपीज़ लेफ्ट रह जाता है, जो इसको मैंने छोड़ा है कोई भी अच्छी सी कैबिनेट लेने के लिए, क्योंकि अगर आप कोई भी कैबिनेट ऑनलाइन बाय करते हो ना तो आपको 2500 रुपीज़ के कम की नहीं मिलने वाली है। और अगर तभी आप सोचते हो कि आप थोड़ा पैसा लुक्स पे भी खर्च करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं कि कैबिनेट जो आपकी कितने कितने में आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सी आरजीबी कैबिनेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप उसको बाय कर सकते हो। मैं प्रेफर करूँगा कि आप जो है एक ऑफलाइन चले जाओ, वहाँ पे आपको 500 रुपये से बहुत अच्छी अच्छी कैबिनेट मिल जाएंगी नॉन आरजीबी। तो या गाइस, यहाँ पे हमारा जो पीसी बिल्ड कंप्लीट होता है, यहाँ पे हम लोग ने बिल्ड कर लिया है 10K के बजट में एक पीसी। एंड यहाँ पे आपको एक बार फिर से रिमाइंड करना चाहता हूँ कि आप इस पीसी पे जो है बिल्कुल भी गेमिंग करने की मत सोचना, क्योंकि आपका बजट बहुत टाइट है। अगर आप गेमिंग करने की सोचोगे इस पे, या फिर अगर आप कोई भी गेम रन करने की कोशिश करोगे, तो आपका प्रोसेसर जो है वो भी आप पर जल सकता है। तो प्लीज ऐसा मत करना, इस पीसी को प्रोडक्टिव इसी पीसी की तरह ही यूज करना। तो अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपको भी इंटरेस्ट है भाई लोग गेमिंग और पीसी रिलेटेड कंटेंट में, तो भाई क्या करो, जल्दी करो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा मिल जाएगी आपको उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर, बाय।